मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में CDO अनुज सिंह, ADM सिटी राकेश श्रीवास्तव, जिला समाज कल्याण अधिकारी सप्तऋषि, SDM खजनी विपिन कुमार, SDM बांसगांव अरुण मिश्रा, अल्पसंख्यक अधिकारी संजय कुमार मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में गरीब कन्याओं की शादी के लिए होने वाले मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस मौके पर DM ने कहा कि गांव स्तर पर शादी के लिए पात्र युवक युवतियों की सूची बना लें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो शादी करना चाहता है तो वह योजना से वंचित न रह जाए। तो इसमें सर क्योंकि अभी तक ये रेडियो आइटम नहीं था और ऑफर था सब्सक्राइब प्रायरिटी तो अभी तक जो थोड़ा सा पिछले सालों में थोड़ी स्नेटनेस रही है अकाउंट का जरूर सर बात करेंगे सर इस वाले में जो पेंशन वाले हम बट इसमें लास्ट टाइम जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है वो करना है और ऐसे भी सर दिक्कत नहीं है कि वहाँ भी हमको कहा गया आपका हमें मुख्यमंत्री जी का जिला है आपको भी पैसे की अभी अब 450 में सर पार्क का एक साल का पैसा और 30 का भेज दिया पिपराई को लगी हुई 27 तारीख को लगी हुई है 26 तारीख को 27 को गुलाब लगा और गगहा में 21 का मेरा अपेक्षित है डिमांड दे दीजिए और डिमांड के साथ अपना खाता भी दे दीजिए और कहा करेंगे वेन्यू भी दे दीजिए कि कब करेंगे और तिथि और स्थान इसमें ये कहा गया कि माननीय जनप्रतिनिधियों को इसमें विधायक इसमें सर एक चेंज और हुआ है कि धनराशि बढ़ गई सर जैसा कि पहले 35,000 था 51,000 हो गया है अब ब्रेकअप यह है ये नगरी क्षेत्र में एक आप कर सकते हैं जो कितने जो मैरिज हॉल है तकरीबन कितने 100 को ऊपर है गोरखपुर एंड वो करने में तो हिचक भी नहीं होता है बहुत लोग पसंद भी करते हैं स्पेशली तो मोमेंट पॉपुलेशन का असर वो देखता है अगर पंचायत इलाके में भी मैरिज हॉल वो लाल होता है उस पर कर सकते हैं उस पर वो तो जो अच्छा शादी देख हो जाता है वो माहौल भी बन जाता है उस हिसाब से हम सजा सकते हैं आराम से जो उसका एक दिन मिल जाता केवल सजावट करना होता है पर बाकी भोजन इत्यादि व्यवस्था करना होता है वैसे घर का शादी कैसे होता है ऐसे ही हम करते हैं ताकि नहीं तो ये मन में थोड़ा वो हो रहा है इसलिए रहता है या नहीं तो बरात घर बढ़िया बना हुआ होगा शायद उसी का व्यवस्था कर लीजिए वहाँ और वहाँ ये जो प्राइवेट यदि तो मैरिज हॉल मिलता है तो उसको भी यार एक दिन ले लेना उससे हम कह रहे दे ही देते हैं कोई बड़ी बात नहीं उसको सर हर सदस्य अगर दो इस बार हो पिछले बार सर हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था जिला पंचायत की बैठकों में मतलब कोई बैठक ऐसी नहीं गई जिसमें हमें करने वाला अपना कोई वो नहीं है देखिए चिल्लाते इतना है जब काम की बात आती है तो कोई काम में सही नहीं तो बाकी जो हर जगह हर क्षेत्र में कुछ NGO अच्छा काम करती है जो उसको पहचानना जरूरी है वैसे भी कुछ इलाका में कुछ लोग समूह सेम टाइप का कराते भी है गोला इलाका में राजेश जी करते हैं बड़ा पिछले साल बहुत बढ़िया करते हैं यहाँ दो तीन NGO की इनकम बहुत बड़ी इनकम हो गई गरीब आदमी लगभग सभी आ जाएंगे जो नौकरी पेशे वाले तो ये इनकम का बंधन भी एक तरीके से समाप्त हो गया है लड़के और लड़की की उम्र थोड़ा वर्ग लघु की उम्र का ध्यान रखिए 18 और 21 से केवल चुप हो गया ये तो लड़का 20 साल का निकला है 19 साल का निकला है क्योंकि हमेशा मजदूर को लड़का 21 साल के नीचे मैरिज एज लीगल मैरिज एज नहीं मानते हैं लड़का को उसको भी ध्यान रखना होता है और दूसरा जो पिछले बार ये भी है आपको पता नहीं ये उनका आधार कार्ड और जो उनको बाकी सर्टिफिकेट में बहुत भिन्नता है प्रॉब्लम क्या है जो तब भी जो मैरिज सर्टिफिकेट बनता है रजिस्ट्रेशन के बाद वो आधार का डेटा से बनता है वो आधार का जरूर फोकस कर लीजिए आधार का डेटा यही तो मान्य होता है किसी की वजह नहीं होता है।